बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये आपको एक बिल्कुल ही मुनफरिद के ड्राई फ्रूट दिखाने वाला हूँ। इसे उर्दू में जंगली जैतून और अंग्रेज़ी में रशियन ओलिव कहलाता है, और ये मुकामी ज़बान में इसे गिलगित बल्तिस्तान में ये सरसिंग के नाम से मशहूर है। इसका एक ये छिलका उतारने के बाद इसकी कंडीशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से हो जाता है। और ये इसका बीज है, रशियन ओलिव का ये बीज है। इस पौधे की सबसे अहम खसूसियत ये है कि ये तकरीबन ज़्यादातर आप गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ इसको देखेंगे तो ऐसे जगहों पर ये दरख्त कसरत पाए जाएंगे जहाँ पे बहुत कम पानी है। अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं कि इस तरीके से, ये तो नॉर्मल इसी तरीके से इसको खाया जाता है। इसके छिलके में भी कई बहुत सी खसूसियात पाई जाती हैं, काफ़ी चीज़ों के लिए सूदमंद है। ये इसके अंदर का बीज है, ये इसका बीज है, और ये बाकी हिस्सा जो है ना ये खाया जाता है। तो ये छोटे बड़े हर साइज़ के होते हैं। और इसी तरह इसका जो बीज है इससे ऑयल तैयार की जाती है जो कि खा जाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, इसमें भी शिफा है। और एज सेल्फ जो है ये रशियन ओलिव जो है ये बहुत ही एक फ़ायदेमंद फ्रूट और ड्राई फ्रूट है। ये इसका सबसे अहम फ़ायदा ये है कि ये गैस्ट्रिक को ठीक करता है। जो मैदे की शिकायत है, किसी को गैस्ट्रिक की शिकायत है, इस फ्रूट को अगर लगातार इस्तेमाल करते रहे तो वो जो ना इससे बेहतर ठीक हो जाता है। इसी तरह ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए भी एक बेहतरीन ज़रिया है। और गुर्दे की पथरी निकालने और गुर्दे की तकलीफ जिनको है उन हजरात के लिए भी अगर इस फ्रूट को वो मुस्तकिल से मिजाजी से खाते रहें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो है ना डायरिया के लिए भी ये बेहतरीन है। इस पौधे का फूल जो है वो सांस की तकलीफ़ के लिए इसमें बेहतरीन है। और इसके अलावा कहा जाता है कि ये जो भी इस फ्रूट को मुस्तकिल तरीके खाते रहें तो ये इस कैंसर से भी इसे बचाव करता है ये। और इस पौधे का तेल में भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिफा है। और इसका पत्ता जो है पौधे का, उसकी चाय बनाई जा सकती है। इसके अलावा जो है मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, इस पौधे का जो फूल है, फ्लावर है, इसको इससे मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम्स तैयार किए जाते हैं कि बहुत ही खुशबूदार और कमाल का चीज़ है। तो इस पौधे के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये गिलगित बल्तिस्तान में कसरत से पाया जाता है। इसे पाकिस्तान के दिगर शहरों में भी इसे काश्त किया जा सकता है क्योंकि इसे बहुत कम पानी वाले इलाकों में भी इसकी काश्त की जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा पानी बर्दाश्त करने वाले पौधों में इसका शुमार होता है।